यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत से विपक्ष चारों खाने चित्त है। प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष इस तरह घबराया है कि अपनी हार की वजह ईवीएम में तलाश रहा है। यूपी में हार के बाद पहले बसपा सुप्रीमो मायावती और फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम को मैनेज करने की बात कही थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर से कराने की मांग की। केजरीवाल ने तो मुख्य सचिव को निर्देश तक दे दिए थे कि नगर निगम चुनावों में बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की जाए, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि नगर निगम चुनाव ईवीएम से ही होंगे। चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार को याद दिलाया है कि 2007 से ईवीएम से चुनाव होता आ रहा है। बैलेट से चुनाव कराने के लिए सरकार को नियमों में बदलाव करना होगा और अभी इतना समय नहीं बचा है, इसलिए वोटिंग ईवीएम से ही होगी। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भी ट्वीट कर केजरीवाल से आग्रह किया था कि वो निगम चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराएं। चुनाव आयोग के बाद केजरीवाल और माकन को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी जवाब दिया। तिवारी ने केजरीवाल को याद दिलाया कि 2015 में उनकी पार्टी ने दिल्ली में 70 में 67 सीटें जीती थी। अगर उन्हें ईवीएम पर शक है तो दिल्ली में दोबारा मतदान होना चाहिए। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।